तिवारी जी से झगड़ा हो गया आपका? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है, कब्ज हुआ है। अच्छा, अभी तक उनकी कब्जियत बरकरार है। अरे यार, इन कमबख्तों ने तो हमारी कब्ज का तमाशा बना के रख दिया है। अगर यही हाल रहा तो पूरे कानपुर में हमारे कब्ज किससे छिड़ जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कल ही सबको बता देंगे कि हमारा कब्ज ठीक हो गया है। सुबह सुबह मिठाई। लड्डू के भैया का बंद फाटक खुल गया। पार्टी तो बनती है। शाम को आइए डाइनर पर। खाई अपनी अम्मा की कसम, दाल गल गई आपकी। नहीं गली हमारी दाल। बहुत कम ऐसे खुशनसीब लोग होते होंगे भैया जिनको के कब्ज मिलती है। मैं भैया 6 महीने से नहीं गया हूँ। अतिका यार, तेरी जान कसम, मजो आ गो यार। हाँ यार, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो बढ़िया पेट साफ हुआ है कि तबीयत हरी भरी है गई यार। अजालिम, सब कुछ ना एकदम खुल के भाव है, एकदम हल्को फुल्को महसूस कर रहा हूँ यार मैं। अगर हवाएं चल रही है। क्या बकवास कर रहे हो बेलोंडो, क्या बकवास कर रहे हो? हम क्या बकवास कर रहे हैं भैया, हम तो अपने मोशन पर चर्चा कर रहे हैं। मोशन पर चर्चा करनी होता घर जाके करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जी, जे का बात आ रही, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? इनको तो मिर्ची लगेगी ना मलखान, इन पर आजकल मोशनल अत्याचार चल रहा हुआ है। भैया, आपको देखकर मुझे गानों याद आ रहा है। तौबा तेरो गुस्सो, तौबा तेरो प्यार, तेरो मोशनल अत्याचार। टीका मलखान, चले मेरे यार, पानी पी ले। हाँ, पी, आजा, पी ले, पी ले। आजा, आजा, आजा। मेरी मैया मर गओ रे। अरे मर गओ। मुझे तो लगता है तिवारी भैया पागल है गए। यार बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों बिलोंडे, ये मटका कहां से फुड़वा के आ रहा है? तिवारी भैया ने हमारा सर गमले से फोड़ दो। तिवारी जी ने सर फोड़ दिया गमले से तुम्हारा? वो पागल है क्या? इज ही मैड? बदतमीजी की होगी तूने कोई 100%। अरे भैया जी, तुम कमाल कर रहे, हमने ना करी कोई भी बदतमीजी। हम तो सुबह फ्रेश होकर आ रहे थे और बस आपस में यही बात कर रहे थे कि आज पेट ना अच्छे से साफ होगो। बस जाई बात को सुनकर ना तिवारी भैया चिड़ गए और गमला फेंक कर मार दो इसके सर पे। जी देख लो, पट्टी बांध के पूरा काला जाम लग रहा है। जी का पागलपन है यार, तिवारी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पेट साफ ना हो ना, इतने चिड़े बैठे हैं हमसे। ये क्या बात है, अगर आपका खुद का पेट साफ नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दुनिया से बदला लेते फिरेंगे। ठीक है, तुम इसकी शिकायत लगाओ पुलिस स्टेशन में। कमा नहीं भैया, रहने दो, बात बनाने से क्या फायदा। ठीक है, तुम अजीब बात कर रहे हो यार, अगर तुम शिकायत नहीं लगाओगे ना तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे। आज तुम्हारा सर फोड़ा, कल को वो सक्सेना का सर फोड़ देंगे और परसों विभूति भैया का। अभी उनके गुर्दों में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा सर फोड़ सके, हम उनका मुंह तोड़ देंगे। बढ़िया है। का है भैया, का पंचायत चल रही है जो? ये क्या हो रहा है आपके राज में अपू सिंह जी? क्या हो रहा है? तिवारी जी ने इस थुलथुले बच्चे का सर फोड़ दिया गमला मार के। तो जामे कौन सी बड़ी बात है, जब सारे ने करी हुई बदतमीजी, तिवारी ने पेल दाओ। कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बदतमीजी नहीं की थी। तो मैं जा लौंडा ने अपनो वकील रखू भौए का? नहीं तो जा लौंडा के बोलन दो ना, मुंह में मारो का गमला। बोल बेटा।
मैं और बलखान सुबह सुबह है ना तिवारी भैया के घर के बाहर से आ रहे थे। हम बात ही कर रहे थे कि हमारा पेट आज साफ है गो है। बस इसी बात से जो तिवारी भैया चिड़ गए और हमसे हमारे जो है ना सर पे गमला उठा के मार दो। यार जा तो गुंडागर्दी हो गई। जी ये गुंडागर्दी है, तभी कह रहा हूँ चल के उनकी गुंडागर्दी निकाली है। आज तो इसका सर फोड़ा है, कल को आपका जो सर है ना खरबूजे की तरह ये भी फूट सकता है। खा लू। हम जो कह रहे यार कि देखो कनु FIR लिखवाई नहीं है, ऐसे क्या कार्रवाई कर दे बताओ। बेटा FIR लिखवा तो रहा है ये बच्चा, लिखवाओ। नहीं भैया, हम मैं और मलखान दोनों आ रहे थे तो मकान के बाहर जो है ना बैठे बैठे बात कर रहे थे कि फैस है रहे हैं, हम तो अच्छे वाला हमारा पेट साफ है गो है। बस इसी बात से चिड़कर तिवारी भैया ने हमारे मुंह जो सर के ऊपर है ना गमलो जो उठा के भैया यूं मार दो भैया। बहुत परेशान रहेगा भैया उनके एटीट्यूड से हम तो। अच्छा तो जो बताओ, जौन गमला तुम्हारी खोपड़िया पे मारो वो गमला कौन सी मट्टी को है तू? अरे इतनी देर से आसन ही तो कर रहे थे पगली, अभी सर नीचे और टांगे ऊपर करके शीर्षासन कर रहे थे लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ, वही नतीजा ढाक के तीन पात। अच्छा तो फिर ये लीजिए चिरायता का काढ़ा पी लीजिए, शायद कोनो फायदा हो जाए। अरे यार ये तो बहुत ही कड़वा होता है भाई, एक तो सांस में पी जाइए ना। क्या क्या पीना पड़ रहा है भैया? अरे दादा। और भैया तिवारी कौरव महाराज, अरे कछु हो ही तो ना रहे हो, है पेट की बैंड बजी पड़ी है। हाँ बहुत बुरा हाल है आपका, कछु चाय वाय लेंगे? हाँ भाभी अंगूरी बढ़िया अदरक वाली पी लेंगे और साथ में तना पकोड़ा वकोड़ा मिल जाए तो मजो आ जाए। खाली पेट आने के लिए घर से अबे। ठीक बल आते हैं बैठिए। देखो का दरोगा जी, प्रेग्नेंट बीवी खाने वाने को नहीं देती का? जो ससुर तिवारी कैसे बेटों को सवाल है, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? और का, जब देखो तब भुक्कड़ों की तरह चले आते हैं हमारे यहाँ। तुम ही आते हुए तिवारी जो ज्यादा हमसे चूचोपड़ न करो करो। तुम्हें कल लगा ससुर हम अपने घर से चल के तुम्हारे घर में सिर्फ फ्री को मलीदा पेलने आते? तो क्या घुइया तोड़ने आते? अरे यार तुम्हारे खिलाफ टीका ने रिपोर्ट लिखाई है, तुमने मासूम को खोपड़िया फोड़ दी। तो ऐसी भाई याद हरकतें करेंगे तो खोपड़िया फोड़ेंगे ना, जो भी हमारे कवच का मजाक उड़ाएगा हम उसको जरूर तोड़ेंगे चाहे वो कोई भी हो। अच्छा तो तुम जब मोहल्ला के दादा हो गए, जब मन करे को तुम्हारे को थोबड़ा तोड़ दोगे, जब मन करे को खोपड़ के फोड़ दोगे। तुम ससुर अब थाने चलो, तुम्हें हम बताते हैं तुम्हारी दादागिरी निकालते होते। ऐसा दरोगा जी, कब्ज की वजह से हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है समझे, इसलिए भी निकल लो आप, चलो जाओ यहाँ से। कबूल है तुम? तुम्हें हम बताएं अगर हम खोपड़िया खराब हो गई ना, थाने ले जाके 10 मिनट बढ़िया तरीके से गुलचियाएंगे ना तुम्हें, तो सारी ये पेट की मरोड़े कब्ज कब्ज के सब सही हो जाएगा। अरे ये क्या बार बार कब्ज 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 लगा रखी है, देखिए हमारा दिमाग खराब है, चिड़ उठ रही है। चिड़ उठ रही है तुम्हें? अब तो हम बोलेंगे कब्ज 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 कब्ज, तुम आओ कब्ज के मालिक हो, कब्ज को खोका है तुम आओ, कब्ज हो गई तुम्हें सच कब्ज। कब्ज
भैया जी, अब ऐसे घनी देर होगी, दरोगा जी को अंदर गए हुए, भारी ना लौटे काफी देर से। कहीं तिवारी भैया ने दरोगा जी को तो नहीं कुलचा दो? चुप। दरोगा आपू सिंह पुलिस वाला है और तिवारी जी एक नंबर के डरपोक। गुच्छी यादव। तूने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? ना ना भैया, हमने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज ना कराई। ना ना भैया, मैंने भी ना करवाई। हमें तो विभूति भैया ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा था। मम्मी, टीका आजा। अच्छा भैया तिवारी, चल रहे हम, ध्यान रखियो अपनो। अनीता जी, भरभूति जी, अदी अनीता जी। भाभी जी, अनीता जी कहाँ हैं बताइए हमको। अनु को छोड़िए, आप मुझे बताइए ना मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बैठिए ना आप प्लीज। नहीं, हमको बैठना नहीं है। अगर आपको हमरा सेवा करना है ना, हाँ? तो लड्डू के भैया का इमोशन वापस ले आइए। भाभी जी, इमोशंस? उस आदमी के पास इमोशंस? उस आदमी का इमोशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं भाभी जी। अगर कोई इमोशनल है तो मैं हूँ। आई कैन गिव इमोशंस। अब क्या बोल रहे हैं, अमरीका चुना ही समझ आ रहा है। हम लड्डू के भैया का कब्ज का बात कर रहे हैं, कब्ज का। भाभी जी, आप इमोशंस की बात कर रही हैं। सही पकड़े हैं। कछु कीजिए ताकि उनको कछु हो जाए। भाभी जी, मैं आपको किराया दूं? अब एक काम कीजिए, लड्डू के भैया को घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो घर में इस वक्त ऐसे हैं जैसे घर में होता ना कूड़ेदान, वैसा है। क्या बोल रहे हैं आप, वो पति है हमरे। कल को अगर आपको कब्ज हो गया और अनीता जी आपको घर से बाहर निकाल दी तो कैसा लगेगा आपको? भाभी जी, अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं बिना बताए अनीता को घर छोड़ दूंगा और उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। इका मतलब आप घर छोड़कर चले जाते? बिल्कुल नहीं, हम लड्डू के भैया को कहीं ना ही जाने देंगे, कहीं ना ही जाने देंगे। ये मुश्किल वक्त में हम उनका साथ देंगे। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। आई एम सॉरी, एक सजेशन था ये तो सिर्फ। आई एम सॉरी। बेचारे। इट्स ऑलराइट, ही इज नॉट अ बेचारा। अरे अंगूरी जी, अनीता जी, हटो ना, रो रही है वो, क्या हुआ? हम लड्डू के भैया को लेकर बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उनका बंद फाटक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बेचारे चोट खाए बैल की तरह तड़प रहे हैं, वहाँ चिल्ला रहे हैं। माय गॉड, क्या करें? कछु कीजिए ना आप, कछु कीजिए ताकि उनको कछु हो जाए। ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कुछ करती हूँ। अनु, मेरे पास एक कमाल का आइडिया, अगर बोलो तो मैं बताऊँ। क्या आइडिया है? Let's go for a surgical strike. लड्डू के भैया का सर्जरी करा देते हैं, उसका ऑपरेशन करा देते हैं, उनका पेट फाड़ देते हैं। जस्ट पेट फाड़ के क्या करोगे? किडनी निकालोगे? किडनी नहीं, शट अप। अंगूरी जी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है समझिए, ये जो कब्ज की प्रॉब्लम है ना, ये तिवारी जी के दिमाग में है और ये प्रॉब्लम हमें उनके दिमाग से निकालनी है। कैसे? मेरे पास एक थेरेपी है और वो थेरेपी आज मैं तिवारी जी पे अप्लाई करने वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनको हो जाएगा 100%। दांकू। अनु, ठीक है, तुम अपनी थेरेपी करो और मैं अपना एक जुगाड़ लगाता हूँ। मेरे पास एक
और आइडिया बहुत कमाल का, इट्स लाइक अ बुल्सआई, बूम। अरे क्या करें इस कब्ज का, अरे कमबख्त कब्जे में ही नहीं आ रही है। अरे कहाँ जाकर मर जाएं? अब आपको कहीं जाकर मरने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी जी आप आइए 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 भाभी जी आइए। क्या तिवारी जी, आप जरा सी प्रॉब्लम में हिम्मत हार रहे हैं। अरे मैं तो आपको बहुत हिम्मत वाला समझती थी। क्या बताएं भाभी जी, इस कब्ज के आगे हमारी हिम्मत हार गई है। ऐसे कैसे आप हिम्मत हार सकते हैं? अरे भाई, दुनिया में हर दूसरे आदमी को कब्ज की प्रॉब्लम है। अगर सब आप ही की तरह हिम्मत हार गए तो चल गई दुनिया। और तिवारी जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना, कब्ज हमारी सोच में है, सोच में, सोच से कब्ज को निकालना है। डोंट वरी, मैं आ गई हूँ, मैं आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी। जी भाभी। चलिए आप आराम से पहले बैठिए यहाँ। ऐसे नहीं तिवारी जी, रिलैक्स कीजिए। जी सुखासन। जी नाइस। अब आप चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या आंखें बंद? जी भाभी। तिवारी जी, अब आपको रिलैक्स करके ये महसूस करना है कि आप पहाड़ी वादियों में हैं। फील कीजिए कि आप पहाड़ी वादियों में, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भुला कर फील कीजिए। जी भाभी जी। आप फील कर रहे हैं? हम फील कर रहे हैं भाभी जी कि हम पहाड़ी वादियों में हैं। गुड। तिवारी जी, अब आप धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। वन टू चढ़ रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। वन टू चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं ना? जी भाभी जी, हम चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। वन टू, वन टू, वन टू। वेरी नाइस। अब तिवारी जी महसूस कीजिए जैसे आपके पेट के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है प्रेशर। जी भाभी जी, बढ़ रहा है। महसूस कर रहे हैं आप? जी महसूस कर रहे हैं। और अब तिवारी जी, अब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हरी भरी वादियां हैं, खुला आसमान, और आप अकेले कोई भी नहीं, सिर्फ हरी भरी झाड़ियां। जी भाभी, अकेले हम और सिर्फ हरी भरी झाड़ियां। वेरी नाइस। और वहां तिवारी जी, एक खूबसूरत हरी भरी झाड़ी है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। फिर से वन टू, वन टू। जी। और उस झाड़ी के पास एक सुंदर सा चमचमाता हुआ पानी से भरा लोटा है जो मुस्कुरा रहा है। देखा आपने लोटा? जी देखा लोटा। और वो लोटा मुस्कुरा कर चमचमा कर आपसे कह रहा है, तिवारी जी स्वागत है। जी, बुला रहा है लोटा। गुड गुड। अब आगे क्या करना है आप समझदार हैं, जो करना है कर लीजिए तिवारी जी। ऑल द बेस्ट। भाभी जी, झाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, चमचमाता पानी से भरा लोटा भी स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रेशर नहीं बन रहा भाई जी। अ
अनु अनु कौन चीख रहे हो यार? पानी नहीं आ रहा यार। पानी कैसे नहीं आ रहा है? आज सुबह ही तो मैंने हाथ धोया और नल में तो पानी आ रहा था। यार एक बूंद पानी नहीं है, वो तो इत्तेफाक से मैंने बैठने से पहले पानी चेक कर लिया, देयर वाज नो वाटर। अब मुझे बहुत जोर से प्रेशर लगा है, आई एम अंडर द प्रेशर नाउ। ठीक है ना तिवारी जी, कहीं चले जाओ, नहीं तो सक्सेना जी कहीं चले जाओ, जब तक तुम वापस आओगे तब तक पानी आ जाएगा। सक्सेना इज बेटर चॉइस। अनीता जी, प्रभुति जी, हटिए, जल्दी चलिए, उन्होंने लड्डू के भैया बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिए हैं। अरे तिवारी जी ने एक तमाशा खड़ा कर दिया, क्या किया? उन्होंने पूरी कॉलोनी का पानी काट दिया है, वहाँ पाइपलाइन के पास जाकर बैठे हैं। तिवारी जी ने पानी काट दिया है? हाँ, और न जीत पर अड़े हैं कि अगर हम फ्रेस नहीं हो सकते तो कॉलोनी का कोई भी आदमी फ्रेस नहीं होगा। ठीक करता हूँ मैं इस आदमी को, ये फ्रेश नहीं होगा, मैं सब फ्रेश करके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो विभू? विभू रुको ना। तुम्हें संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे आपके संस्कार गए घुइया के खेत में। तिवारी जी ये क्या बदतमीजी है यार? ये बदतमीजी नहीं है, ये आंदोलन है उस जंग के खिलाफ जो हमारे पेट में छिड़ी हुई है। अरे यार भैया तिवारी, तुम्हारे पेट में जंग छिड़ी भई है तो अपने पेट के संग में आंदोलन करो। हमारे पेट के संग में आंदोलन काय कर रहे? खोल दो पाइपलाइन। आंदोलन अंधा होता है, और जब आंदोलन होता है वो ये नहीं देखता कि किसे छोड़ना है और किसे लपेटना है, वो सबको लपेटे में ले लेता है, समझे? आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गए? अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो हमारा क्या कसूर है? मोहल्ले वालों का क्या कसूर है इसमें? अरे सब मोहल्ले वालों का ही तो कसूर है। अरे भैया इसमें हमारा क्या कसूर है? हैं? हमने कौन से आपके रास्ते रोक रखे हैं? तुम सब लोगों ने हमारी कब्ज का तमाशा बना के रख दिया है, हमारी कब्ज पे फफ्तियां कसी जा रही है, हमारी कब्ज का मजाक उड़ाया जा रहा है। बात तेरी भैया तिवारी, हमारी बात सुनो, ध्यान से ठंडे दिमाग से बात सुन लियो। हमसे गलती हो गई है, हम सब अपनी गलती मान रहे हैं। आज की बात तुम्हारे को मजाक ना उड़ाए, वो पाइपलाइन खोल दो दादा। कम ऑन तिवारी जी, बी अ स्पोर्ट। देखिए पाइपलाइन खोल दिए वरना हम सबकी पाइपलाइन बंद हो जाए। अरे भैया विभूति, हमारी तो बंद होने की कगार पे आ गई दादा। बंद होती है तो हो जाए, हमारी पाइपलाइन बंद तो सबकी पाइपलाइन बंद।